लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? तीन मैं मारूंगा क्या फायदा है, इससे बेहतर है कि मसला कर ठीक है। आप तीनों आप तीन भाई तीन ठीक है। हर हद होती है, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है, जरूरी करना है ये रहा पुलिस स्टेशन का। आप सब आई होप सब ठीक ही होंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हो आज का ब्लॉग भी मैं दोपहर को स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मुझे अपने कज़न के साथ और शेफ के साथ मिलने जाना है, बट मैं उस दिन जा नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था उस दिन। तो आज मैं उन दोनों के पास मिलने जा रही हूँ, जो कि मैंने दोनों को कॉल करके बुला लिया है, और मैं उनसे बस यही पूछूँगी कि भाई उस दिन इतना गंदा झगड़ा क्यों कर रहे थे, वो भी बीच रोड में, जो कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरे को मतलब इतना बड़ा शॉक मिला था ना उस दिन कि मतलब बीच रोड में दोनों इतने बुरे तरीके का झगड़ा कर रहे थे ना। तो मैं बस उनसे मिलकर ये बात ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे कोई झगड़ा हो, और हम सब मिलकर ये बात सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि कोई आगे झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बना रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में लगी हुई है, मैंने कैमरा बहुत मुश्किल से पकड़ा क्योंकि मैं ये वाले हाथ से शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इस हाथ में मेरे को फ़ोन पकड़ने की आदत नहीं है। मैं इसी हाथ से वीडियो बना सकती हूँ जिस हाथ में मुझे लगी हुई है, क्योंकि मुझे दूसरे हाथ में आदत नहीं। बिना देर किए बस निकलते और मिलते हैं उनके साथ जाके। मैंने अपने कज़न को बुला लिया है, मैं उसके साथ मिलकर पहले पूरी बात क्लियर करूँगी कि उसने उस दिन इतना गंदा झगड़ा क्यों किया था, फिर मैं शोएब के साथ में मिलूँगी, फिर दोनों से मिलकर मैं बात डिस्कस करूँगी इसके रिलेटेड। मुझे अपना कज़न भी मिल चुका है, ये रहा वो, पता नहीं किससे बात में लगा हुआ अभी ये। तो कब से वेट कर रहा हूँ, तो आप कहाँ पे हो, आप बताओ अभी ये शोएब से बात कर रहा है, इसको ये बात करने दो, फिर मैं पहले इनसे पूछती हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। गुंडे लेके आए हो ये बताओ, हम तो सिद्रा में। ये चल क्या रहा है, पहले मुझे ये बताना उस दिन क्या हुआ था। मुझे लगता है अभी गुंडा लेके आएगा। गुंडा यार बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हो, उस दिन किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा इसी पे, मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा तू बड़ा बदतमीजी कर रहा था, तो अब उस दिन ये भाग गए उस दिन। बट मेरी और उसका साउट आउट हो गया था ना, आपने झगड़ा क्यों किया उसके साथ? मुझे गुस्सा चढ़ गया ना, मैंने गुस्सा, लेकिन इतना गंदे तरीके का मैंने देखा था उस दिन। मैंने झगड़ा नहीं किया, मैंने बस नॉर्मली इससे पूछा तू रुक, ये वहाँ से बड़ी सिंगी दिखाने लगा, मैंने कहा इतना बर्दाश्त है नहीं मुझमें। तो अभी वो कहाँ पे है, उससे बात हुई? आ रहा हूँ आने दो हमें क्या। लेकिन प्लीज मैं बस ये बोल रही हूँ कि झगड़ा नहीं करना, बात को सॉर्ट आउट होने दो, बस होगा देखा जाएगा, जो भी होगा। क्या मतलब है आने दो, हम थोड़ी वो हाथ उठाएंगे तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे। क्या मतलब हाथ उठाएंगे, मतलब मैं बोल रही हूँ कि झगड़ा नहीं होना चाहिए यार, चुप बैठूं। हाँ चुप बैठो, मैं अगर उसने हाथ उठाया तो। लेकिन सॉरी बोल के बात को खत्म कर दो ना, एक दूसरे से सॉरी बोल दो। सॉरी बोलेगा तो मैं मान जाऊंगा, तो आप भी बोल देना ना। उसी ने तो बड़ा कुछ दिखाया था हमें उस दिन व्लॉग में, पर हम दोनों को सॉर्ट आउट हो गया, उसने बताया नहीं, बोल रहा था कुछ सॉर्ट आउट। मैंने कहा श्वेता को अभी शहर में छोड़, तू बता तेरा वो कजन कहाँ है, वो बड़ा दिखा रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि झगड़ा हो, झगड़ा मुझे खुद भी नहीं करना। हाँ लेकिन अगर आगे से वो हाथ उठाया उसने तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा। मुझे पता वो हाथ नहीं उठाएगा, तो मैं आपको भी बोलती हूँ आप भी मत हाथ उठाना। उसने पता नहीं कुछ लड़के हैं उसके साथ, अभी मैंने फोन तो बात नॉर्मली बैठ के कर लेना ना, बात मतलब बैठ के नहीं होती। फिलहाल तो मेरी अपने कज़न के साथ बात हो चुकी है, मेरी शोएब के साथ बात नहीं हुई थी। मुझे यहाँ पे आके पता चला कि मेरे कज़न ने उसको कॉल कर लिया है, बट मेरा कज़न बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, और शोएब जब कॉल पे बात कर रहा था वो भी मुझे गुस्से में लग रहा है। बस मैं ये नहीं चाहती कि आगे झगड़ा हो, ये बात बस सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। अभी शोएब का वेट करते हैं, अभी यहाँ पर हम वेट करते हैं। चलो आ जाओ अंदर, बाहर ही बैठते हैं यहाँ पर। आपसे उसकी बात हुई, उसने क्या बोला? आपकी उससे बात हुई थी ना, तो कितना टाइम लगेगा उसको? बोला आ रहा हूँ, पता नहीं। नहीं ऐसा नहीं बोले यार, फ्रेंड तो मेरा भी है, फ्रेंड है वो मेरा। उसको डर लगता है लेकिन? नहीं मैं नहीं मान सकती उसको डर लगता है। लगता है जब तभी तो नहीं आ रहा ना, कब से हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी आ रहा है। देखते हैं अभी, वेट करते हैं उसका। परसों भी तो भाग गया था डर के, पता है आपको? वीडियो मैंने भी देखी थी यार, ऐसा नहीं बोला, मैं किसी के बारे में नहीं सुन सकती, वो आ गया शायद से। प्लीज मैं बोल रही हूँ झगड़ा नहीं करना, आराम से बैठ तो सकते हो ना आप भी। क्या क्या कैमरे क्या ऑन किया, तू क्यों आई है? हद है यार, ये कोई सवाल है पूछने वाला? बस मैं चाहती हूँ झगड़ा नहीं करना, आराम से बैठ के बात कर लो। मेरे साथ क्यों नहीं आई तू, यहाँ इसके साथ क्यों आ गई?
तो मैं पहले चाहती थी कि अपने कजन से मिलूं मैं पहले। गलत नहीं है लेकिन यार झगड़ा नहीं करना, मैं बोल रही हूँ ना, आराम से बैठ के बात हो सकती है, तुम बैठ जाओ। एक सेकंड, बैठ के हो सकती है ना बात यार, तो बैठ के बात नहीं हो सकती। फिर कजन है, सीरियसली गाइस मुझे इन सब की नहीं समझ आ रही है। मैंने अपने कज़न को भी बोला था कि प्लीज़ आराम से बात करना, तो शोएब जैसा ही आया वो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और उसके साथ मेरा दो तीन लड़के और आए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि आराम से बात ख़त्म हो जाए, आगे झगड़ा ना हो, लेकिन मेरे को सारे के सारे बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। इन सब ने बोला कि हम साइड पर जाके बात करते हैं, तुम यहीं पर बैठो, अब वो साइड पर तो गए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि झगड़ा ना हो, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तक आए नहीं वापस, पता नहीं कहाँ पे हैं वो। बैठे बैठे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। वो शायद से ऊपर गए हुए थे, तो मैं सोच रही थी मैं भी ऊपर चल के देखती हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ पे। चलो चलते हैं फिर। तुम लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? और इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो यार? इसकी शक्ल से लगता नहीं इसके पास पैसे होंगे यार। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक, तुम बैठो यहाँ पे, ये चुप कर जाओ ना एक मिनट। भाई धक्के मत मार, ठीक है? धक्के मत मार, मेरे पास है पैसे। ये क्या, ये भाई कुछ भी है, कुछ भी भाई, इसमें तीन मैं मारूंगा, क्या फायदा है? इससे बेहतर है कि मसला कर, ठीक है? आप तीन, आप तीन भाई, बताना तो है क्या? नहीं तो बताना तो क्या करेगा? बताना मैं मारूंगा तुझे, तो बच्चों, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निकलना क्या पहले, बात तो सॉर्ट आउट कर लो। चल चल, लेट हो गया, बैठने दो मुझे, और वो बदमाश है तुझे मैं देख लूंगा, याद रखना। ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? बात को सॉर्ट आउट करना था ना, तो क्या मतलब है ये? झगड़ा करना जरूरी था आपको? पहले ये बताना मुझे, झगड़ा करना जरूरी था? क्या कजन है? क्या मतलब कोई बात नहीं है, झगड़ा क्यों कर रहे? मैंने बोला था ना कि आराम से बात करना। यार आपने बात को क्यों बढ़ाया पहले ये बताना, बात को क्यों बढ़ाया आपने? देख नहीं रहा वो कैसे बातें कर रहा है। तो मैंने बोला था यार आराम से बात करना, ना तो आप आराम से कर रहे थे, ना तो वो आपसे तो मारने पे आ रहे थे। बोला अगर वो आराम से बात करेगा तब मैं भी करूंगा, पहले बोला था मैंने। तो अभी क्या करना, बात को सॉर्ट आउट नहीं करना, बस भागना है ना? अब घसीड़ होगा, तुम लोगों को झगड़ा करना जरूरी है ना? मतलब बात खत्म नहीं करनी आपने? उनको छोड़ पहले मुझे आप ये बताओ, आपने बात खत्म नहीं करनी है? इसके साथ? इसके साथ? उनके साथ? हाँ, मारने भी क्यों आ रहे हो यार आप एक दूसरे को? हालत में क्या करूंगा? क्या मतलब अभी क्या करना आपने आगे? अभी कुछ नहीं करना आप आगे। क्या मुझे ना गुस्सा आ रहा है, सीधी बात है। कहाँ बुलाना है? पुलिस स्टेशन। मतलब बात को ज्यादा बढ़ाना आपने है ना? ये थोड़ी गुंडा लेके आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं जब अकेले आया था तो ये गुंडा लेके क्यों आएगा? हाँ मानती हूँ वो बात गलत है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है क्या? पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है? जरूरी जाना है ये रहा पुलिस स्टेशन का। यार मैं बोल रही हूँ बात खत्म करो यार, जरूरी नहीं है ये। क्या करेगा? यार बात को खत्म करो यार, क्या कर कह रही हो ये?
बात को खत्म करो यार, घर चलो सीधे। और ये देखो ये बदतमीज बंदे है सामने, क्या बोलेंगे इनको? भाई तू कौन सा तमीज वाला, पुलिस स्टेशन चल रहा है? और तू क्या गुंडे लेके आया यार, प्लीज खत्म करो यार बात को। यार रुक जाओ ना यार, तुम भी एक मिनट, क्या कर क्या रहे हो यार? पुलिस स्टेशन तक लाना जरूरी है बात को? आपके लिए मैं रुका, अभी भी बंदा अकड़ दिखा रहा है। सोच रहा मेरा करियर खराब करेगा तू, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, एफआईआर लगवाएगा। अभी अभी देख, अकड़ अभी भी दिखा रहा है, एफआईआर लगवाएगा मुझे। तो यार बात को यहाँ तक लाना है, क्या है यार, कोई मर्डर किया गया एक दूसरे का? तो फिर क्यों कह रहे, क्या है भाई, तो डर गया, पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पहुंच गया उसमें दम नहीं लगा इसको। हाँ दम, ये बात खत्म करो और घर पे जाओ सीधे, तुम भी घर जाओ सीधे। तू मेरी बात सुन, तो कर भी क्या सकता है इंसान का? मैं डरूं भाई? मैं तो क्या डरूं, यार इनको समझाना भी क्या, जंगलियों की तरह लड़ रहे हैं ये। अच्छा बात को खत्म करो ना यार, इसको बोला दो बाइक के लिए बड़ा जीनो से दो लूंगा मैं। ये बात को खत्म करो, इधर आने वाला क्या है? पागल हो यार, इधर खड़े हो जाओ। हेलमेट निकाल, क्या मतलब है? इसको बोला अपने कजिन को हेलमेट दे दे यार, वापस दे दे हेलमेट, दे हेलमेट, दे दे हेलमेट। कहाँ से है यार बीच में? अगर तू रात में दो जीमा नंबर लेता है, एक हेलमेट नहीं दे सकते? हेलमेट दे दे यार, दे दे हेलमेट, वापस कर दे इसको। ठीक है, रख जेब में, चल भाग। कह रहा है पुलिस स्टेशन चलना मत, कैसी ज्यादा तू बस पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। बात खत्म करो, इधर जाम लगे है तेरी वजह से, पता नहीं। बात खत्म करो यार, लोग देख रहे हैं। तू देखेगा, क्या देखेगा तू? चलो चल चल चल।